हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष क्लासेस फॉर जुडिशरी। हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का पार्ट 1 कवर किया था, और अगर हम आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट बी, जो कि बात करेगा पोजेशन के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 18, 19 एंड 20। तो शुरू करते हैं सेक्शन 18। प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ लिकर। नो पर्सन शैल, नो पर्सन शैल हैव इन हिज पोजेशन एनी quantity of liquor in excess of such quantity as the state government has under section 25 declared to be the limit of retail sale। मतलब कोई भी आदमी किसी भी तरीके की शराब उस एक्सेस क्वांटिटी में नहीं रख सकता जो क्वांटिटी तय कर रखी है सेक्शन 25 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने। और वो क्वांटिटी किसके लिए होगी? रिटेल सेल के लिए। लेकिन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर स्टोरेज सेल सप्लाई ऑफ सच आर्टिकल। यदि वो लाइसेंस किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हो, किसी आर्टिकल की स्टोरेज के लिए हो, किसी आर्टिकल की सेल के लिए हो, या किसी आर्टिकल की सप्लाई के लिए हो। अब यहाँ पे आर्टिकल से हमारा मतलब है लिकर। एंड एनी कंडीशन ऑफ परमिट और पास ग्रांटेड बाय कलेक्टर इन दैट बिहाफ। यदि किसी कलेक्टर ने कोई परमिट दिया हो या किसी कलेक्टर ने कोई ग्रांट दिया हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू द लिकर इन द पोजिशन ऑफ कॉमन कैरियर और एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिशियल और पर्सन हु हैज़ इट्स लॉफुली कस्टडी अंडर दिस एक्ट। लेकिन ये जो ऊपर वाला प्रोविजन हम अभी जो पढ़ के आ रहे हैं, ये किन पर लागू नहीं होगा? ये किसी भी एक्साइज ऑफिसर पर लागू नहीं होगा, ये किसी भी पुलिस ऑफिसर पर लागू नहीं होगा, या ये किसी भी ऑफिशियल पर्सन के ऊपर लागू नहीं होगा, या ये उस पर्सन पर भी लागू नहीं होगा जो कि लॉफुली कस्टडी के अंदर उस सामान को रखे हुए हैं। क्लॉज टू, अ लाइसेंस वेंडर शैल नॉट हैव इन हिज पोजिशन एट एनी प्लेस अदर देन द ऑथराइज बाय हिज लाइसेंस एनी क्वान्टिटी ऑफ द एनी लिकर इन एक्सेस ऑफ सच क्वान्टिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अंडर सेक्शन 25 डिक्लेयर टू बी द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल एक्सेप्ट अंडर द परमिट ग्रांट बाय कलेक्टर इन दैट बिहाफ। मतलब कोई भी लाइसेंस होल्डर किसी भी वेंडर का अपने पास वो शराब नहीं रख सकता, और अगर वो शराब रखेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर उसके पास परमिशन किसी स्पेसिफाइड जगह की है तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफाइड जगह में ही वो शराब रख सकता है या बेच सकता है। सपोज़ कर लीजिए, अगर उसको लाइसेंस मिला है शिमला का, तो वो जो शराब रखेगा या जो शराब बेचेगा वो सिर्फ शिमला में ही बेच सकता है, वो मनाली में जाके नहीं बेच सकता। अ लाइसेंस वेंडर शैल नॉट हैव इन हिज पोजेशन एट एनी प्लेस अदर देन दैट ऑथराइज बाय हिज लाइसेंस। मतलब जहाँ का लाइसेंस है वहीं का ही। एनी क्वान्टिटी ऑफ एनी लिकर इन एक्सेस ऑफ सच क्वान्टिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अंडर सेक्शन 25 डिक्लेयर टू बी द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। मतलब जिस जगह का उसको लाइसेंस मिला है उसी जगह पर उसी स्पेसिफाइड क्वान्टिटी के अंदर और उसी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर उसको वो सेल करनी पड़ेगी जहाँ का उसको लाइसेंस ग्रांट है। लेकिन अगर उसको दूसरी जगह का लाइसेंस ग्रांट कर रखा है किसी कलेक्टर ने, तो उस केस के ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। क्लॉज 3, नथिंग क्लॉज 3
notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2 जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट द पोजेशन ऑफ एनी लिकर, रिस्ट्रिक्ट ऑफ सच पोजेशन बाय सच कंडीशन एज मे बी इम्पोज. लेकिन यदि जब स्टेट गवर्नमेंट को चाहे कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि इन सबको रोकना पड़ सकता है, इनकी सेल को, इनकी पोजेशन को, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. सेक्शन 19 कहता है पोजेशन ऑफ अनयूज्ड एंड प्रिंटेड लेबल्स. कॉक्स एक्सेट्रा बाय सर्टेन पर्सन टू बी पनिशेबल. मतलब जो ऐसे प्रिंटेड लेबल्स हैं, जो ऐसी कॉक्स हैं, जो ऐसे ढक्कन हैं जो कि यूज में नहीं है, और अगर वो कोई और आदमी यूज कर लेता है, कोई अनऑथराइज आदमी यूज कर लेता है किसी इलीगल पर्पस के लिए या किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, तो वो पनिशेबल होगा. क्या लिखा है देखते हैं. नो पर्सन शैल हैव इन हिज पोजेशन एनी अनयूज एंड प्रिंटेड लेबल, कॉक्स, कैप्सूल और सील ड्यूली अप्रूव बाई एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट. मतलब कोई भी आदमी किसी भी तरीके के अनयूज प्रिंटेड लेबल्स को, अनयूज कैप्सूल्स को, अनयूज कॉक्स को, अनयूज सील को, जो कि एक अप्रूव अथॉरिटी ने पास कर रखे हैं, उनको किसी भी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता, और अंडर एनी रूल ऑर्डर मेड देयर अंडर फॉर द यूज बाय एनी पर्सन लाइसेंस टू बी एस्टेब्लिश, सिवाय उस आदमी के जिसके पास ये लाइसेंस है उसको यूज करने का, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता. और वर्क इन डिस्टिलरी, ब्रूअरी, वाइनरी और वेयर हाउस, और अब बॉटल लिकर और एनी अदर लेबल, कॉक, कैप्सूल और सील विच इज इमिटेशन ऑफ सच अनयूज एंड प्रिंटेड लेबल, कॉक, कैप्सूल और सील एज द केस मे बी. मतलब कोई भी आदमी जो अनऑथराइज है उसको यूज करने के लिए वो यूज नहीं कर सकता, और साथ साथ जो ऐसी इमिटेशन, जो जिसको कि हम हिंदी में नकल बोलते हैं, उनकी नकल को भी कोई अनऑथराइज आदमी अनऑथराइज तरीके से यूज नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड दैट Nothing there shall apply to a person licensed to establish, work on distillery, brewery, winery, warehouse or bottle to liquor. जो person उस winery में काम करते हो, distillery में काम करते हो, brewery में काम करते हो, या जो bottling process में हो, उनके ऊपर ये section applicable नहीं होगा. A person who in execution or an order received from a person specified under clause A, manufacture or print any such label, cog, capsule or seal. ऐसा हर एक आदमी जो कि authorized है manufacturer के द्वारा इन सब को use करने के लिए, वो आदमी उस manufacturer के, manufacturer से order receive होने के बाद इन सब चीज़ों को बनाएगा और उसी के direction पर इन सब चीज़ों को use करेगा. सेक्शन 19 का सीधा सीधा क्रक्स ये निकलता है कि जो भी प्रिंटेड लेबल्स होते हैं, जो भी कॉक्स होते हैं, जो भी ढक्कन होते हैं, या उस बॉटल पे लगने वाला जो भी सामान होता है, यदि किसी ऑथराइज पर्सन है और उसकी परमिशन है तभी हम उसको यूज़ करेंगे, कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति किसी भी अनऑथराइज तरीके से उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता. सेक्शन 20 बात करता है Prohibition of possession of liquor unlawfully manufactured, import, transport, etc. ऐसी हर एक लिकर, ऐसी हर एक शराब जो अनलॉफुल तरीके से मैन्युफैक्चर की गई हो, अनलॉफुल तरीके से इम्पोर्ट की गई हो, अनलॉफुल तरीके से ट्रांसपोर्ट की गई हो, उसका प्रोहिबिशन. नो पर्सन शैल हैव इन हिज पोजिशन एनी क्वान्टिटी ऑफ एनी लिकर, किसी भी तरीके की लिकर की किसी भी क्वान्टिटी को, knowing the same to have been unlawfully manufactured, imported, transported, or knowing that the prescribed excise duty or conveying duty and not have been paid thereon. कोई भी आदमी किसी भी तरीके की शराब को किसी भी क्वांटिटी में
और ये जानते हुए कि ये शराब जो बनी है ये अनलॉफुल तरीके से बनी है, ये शराब जो बनी है अनलॉफुल तरीके से इंपोर्ट हुई है, या ये शराब जो है अनलॉफुल तरीके से ट्रांसपोर्ट हुई है, और उसको ये भी पता है कि इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी और जो कंट्रावेलिंग ड्यूटी है वो हमने पे नहीं की गई है, तो उसको वो किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन में नहीं रख सकता। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर सेक्शन 18, 19 एंड 20 को ब्रीफ में डिस्कस किया, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।